हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल फ्लैग अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं और यह हमारे देश का गौरव है और इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश आजाद है और इसकी डिजाइन की बात करें तो इसके डिजाइन को पिंगली वैकैया नामक एक व्यक्ति ने इसे तैयार किया था इसकी मेजरमेंट की बात करें तो यह आकार में आयताकार होता है और इसकी कलर की बात करें तो इसमें टोटल चार कलर होते हैं कुछ इस प्रकार से केसरिया सफेद हरा और नीला इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि भारतीय ध्वज के तीन पट्टिया होती ऊपर के पट्टी में केसरिया रंग होता है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है बीच में सफेद रंग होता है जो शांति और सत्य का प्रतीक है इसी सफेद रंग में ये चक्र होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और सबसे अंतिम में हरा रंग होता है जो देश की समृद्धि अर्थात खुशहाली का प्रतीक है यही पर ही मैं दो डेट मेंशन करना चाहूंगी झंडे से रिलेटेड एक है 22 जुलाई उन्नीस 22 जुलाई 1947 इस को इस डेट को संविधान सभा द्वारा इस राष्ट्रीय ध्वज के इस रूप को स्वीकार किया गया था इसी में जो दूसरा डेट है वो है 14 अगस्त 1947। इस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन किया गया था पहली बार इस राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग के वर्तमान ध्वज में जो ये सफेद बीच के पट्टी में चक्र है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं तो सबसे पहले ये जो चक्र है इसको सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र है यहाँ पे इसको अशोक स्तंभ से लिया गया है ठीक है और सारनाथ हमारा कहा है सारनाथ हमारा यूपी में पड़ता है ओके अब इसके बीच में अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो बीच में महीन महीन ये कुछ तीलियां होती है ठीक है इसमें टोटल कितनी तीलियां है तो टोटल चौबीस तीलियां है और ये जो हमारा चक्र है इस बात का प्रतीक होता है कि नियंत्रण प्रगति का सूचक होता है हमारा चक्र इस चक्र से पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज में पहले इस टाइप का गांधी जी का चरखा होता था इससे पहले हमारा ये थोड़ा इसको ध्यान देंगे इस प्रकार का झंडा चलता था जो पिंगली वकैया ने जो झंडे का जो डिजाइन तैयार किया था वो ये है और पिंगली वकैया ने इसे उन्नीस इक्कीस ईस्वी में तैयार किया था ठीक है और इसमें क्या इसमें इसमें भी तीन पट्टियां होती थी तीन कलर होते थे ऊपर में सफेद बीच में हरा और सबसे नीचे लाल होता था इसको अगर ध्यान देंगे तो लाल रंग जो होता था वो हिंदुओं के हेतु हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता था और जो हरा रंग होता था वो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता था ओके और जो सफेद रंग होता था वो हरे वो अन्य समुदाय को प्रेजेंट करता था इसी क्रम में उसके बाद ये झंडे का ये स्वरूप आया टोटल पूरे पूरा उन्नीस में मतलब ये 1921 में ये था दस वर्ष के बाद झंडे का ये स्वरूप आया जिसमें जो वर्तमान से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है सिर्फ इसमें अंतर केवल एक ही है कि वर्तमान में इस चक्र का प्रयोग किया गया झंडे में और पहले इस, इस चक्र के बदले में गांधी जी का जो चरखा होता था उसका प्रयोग मिडिल में किया जाता था और लेकिन इस, इस चरखे को चक्र से बदलने का जो सुझाव है वो बी आर अम्बेडकर ने दिया था जो हम लोग के डॉक्टर बी आर अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने यह सुझाव दिया था कि चरखे के स्थान पर चक्र का प्रयोग किया जाए अब हम लोग बात करते हैं भारत के पहले ध्वज के बारे में फर्स्ट फ्लैग ऑफ इंडिया अगर ध्यान से हम लोग देखे तो भारत का पहला ध्वज था कुछ इस प्रकार नजर आता था इसके डिजाइन को भगनी निवेदिता नामक एक महिला ने तैयार किया था ये महिला ये महिला स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी और इससे सबसे पहले कब फहराया गया तो तो कोलकाता में एक बगान था उस समय पारसी बगान चौक ये कोलकाता में है और इसे अभी ग्रीन पार्क के नाम से भी जानते हैं ग्रीन पार्क सबसे पहले इसे फहराया गया था 1906 सौ ईस्वी में फहराया गया था कोलकाता अधिवेशन में उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादाबाई निरौजी थे और इस अधिवेशन की एक खास विशेषता यह भी थी कि इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था स्वराज्य का अर्थ ही होता है स्वय का राज्य ठीक है अब इस इस डिजाइन को निवेदिता भगनी निवेदिता ने तैयार किया था इस डिजाइन को निवेदिता में डेट मेंशन करना भूल गई थी इसको डिजाइन किया था उन्नीस ईस्वी में इस डिजाइन को उन्नीस ईस्वी में तैयार किया गया था अब इस झंडे को यदि हम अच्छे से करीब से देखें तो इस झंडे में भी तीन पट्टियां हैं इसके ऊपर की पट्टियों में छोटे छोटे कमल के आठ कमल के फूल बने होते हैं ठीक है बीच में ये जो पीला पट्टी होती है इसमें वंदे मातरम लिखा रहता है लिखा रहता था और सबसे जो निचली पट्टी होती थी लाल पट्टी इसमें एक चांद और एक सूरज बना होता था जिसमें जो चांद होता था वो मुस्लिम समुदाय को प्रेजेंट करता था और जो सूरज होता था वो हिंदू समुदाय को प्रेजेंट करता था इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि झंडे के लिए एक कानून भी बनाया गया था जिसका नाम है भारतीय ध्वज संहिता ये 2002 में आया था इसे इंग्लिश में इसे इंग्लिश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहते हैं इस लॉ के तहत ये कानून बनाया गया ये सूचना जारी की गई कि सभी भारतीयों समेत जो निजी संस्था है मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन लोगों को भी झंडा फहराने का ये अधिकार दिया गया निजी संस्था मतलब कोई भी निजी स्कूल निजी मान प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज या किसी भी प्रकार का कोचिंग अगर उनकी इच्छा है तो वो लोग झंडा फहरा सकते हैं ये जो हम लोग का रूल आया था ये दो में आया था इसके ठीक दो साल बाद अर्थात दो में सुप्रीम कोर्ट ने एक और लॉ पास किया था उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी एन खरे वीएन खरे थे और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक और लॉ मतलब पास किया था जिसमें आर्टिकल हम लोग के जो आर्टिकल है उसके उन्नीस अनुच्छेद उन्नीस के एक के में के अनुसार यह घोषणा की गई कि भारतीय ध्वज को फहराना भारतीयों का मौलिक अधिकार है भारतीय ध्वज फहराना क्या है भारतीयों का मौलिक अधिकार है अब हम लोग के देश के ब... सॉरी हम लोग के राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक गीत भी बना है जिसे कहते हैं झंडा गीत बहुत पहले हमेशा टीवी में ये गाना बजते रहता था विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत को लिखा था श्याम लाल प्रसाद गुप्ता ने इस गीत को लिखा था इसी क्रम में जो हम लोग का सबसे अंतिम पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें हम लोग झंडे के बारे में कुछ विशेष फैक्ट जानेंगे सबसे पहले जो झंडा होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है राष्ट्रीय शोक के टाइम इसको झुका दिया जाता है तो राष्ट्रीय शोक कब होगा जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की निधन होती है तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है यहाँ गौर करने वाली बात एक ये है की यहाँ गौर करने वाली बात ये है की अगर कार्यरत रहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो झंडा केवल बारह दिन के लिए झुकाया जाता है और यदि कार्यरत मतलब अभी काम करे कार्य करने के दौरान ही अगर मृत्यु हो जाती है तो झंडे को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है लेकिन यदि अवकाश प्राप्त अर्थात अगर रिटायर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सेवन डेज के लिए झुका दिया जाता है ठीक है आगे देखते हैं फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराना चाहिए कोई भी झंडा अगर फट गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसको नहीं फहराना चाहिए ठीक है झंडे को किसी भी स्थिति में जमीन में टच नहीं होना चाहिए मतलब झंडा हम लोग के देश का गौरव है हम लोग की शान है इसलिए अगर ये जमीन में टच होता है तो इससे उसका अपमान होगा अर्थात झंडे को किसी भी स्थिति में जमीन में टच नहीं होना चाहिए किसी अन्य देश के झंडे को हमारे तिरंगा के ऊपर या उसके बराबर नहीं रखना चाहिए और अंतिम पॉइंट इससे यह है कि किसी भी गाड़ी के पीछे किसी भी गाड़ी के पीछे या बोट या प्लेन या तिरंगे बोट या प्लेन में तिरंगे का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक होपफुली आपको अच्छा लगा हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद